मैं नहीं चाहता कि प्लीज वो कील ठोंके या वो दाग आपकी जिंदगी के ऊपर लगे। सो नौजवानों को जो यहाँ पे बैठे हैं, कुछ तो है ही नहीं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, शायद इसके बाद उन्होंने प्यास करना है। काश मसीह के जवान, बाइबल मुकद्दस के जवान या कलीसिया के जवान जो है, बेटे और बेटियां, वो इस बात का इरादा करें। कुछ चीजें हैं जिनको करने से आप सोचते नहीं, हम मर तो नहीं जाएंगे, हमें क्या हो गया, देखो हम वापस आए ठीक ठाक है, हमने तो कोई नशा नहीं किया, लेकिन वो भी ऐसी जगह ऐसी चीज नहीं है, हमें जरूर ही जाना चाहिए और उसके बगैर गुजारा नहीं है। जब मैं इस सारी चीजों को देख रहा था, सोच रहा था, तो बार बार मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि इस बात को खास तौर पे जवानी के याम में अक्सर ये, जैसे 18 साल से पहले तो कानून ही नहीं जा सकते, तो फिर जवानों को बड़ा जो है ना वो बात उकसाने लग जाती है, पब में जाए पता नहीं वहां पे क्या है, और फिर वो बार बार जाते हैं वहां पे बैठकर बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों में आपको खुदा का खादिम, आपका पासवान होते हुए इस बात की हदायत कहना चाहता हूँ, इस बात के लिए आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। अगर आप जाते रहे हैं तो उसको बंद कर दें, और अगर आप नहीं गए तो आपने बहुत अच्छा किया है, और अगर आप गए हैं तो दुआ में उससे माफी मांगिए खुदावन से, खुदा आपको माफ करें और आपको खुदा अपने जलाल के लिए में अगर कोई जवान तो बड़ा छोटा या मौजूद है जो किसी भी तौर से अपनी जिंदगी में कोई इरादा करना चाहता है खुदावन के हजूर में, तो आजादी है दुआ के लिए, अपने दिल में आप दुआ कर सकते हैं, खुदावन के हजूर में आ सकते हैं, उसे मुआफी मांग सकते हैं, और खुदा मुआफ करने में सच्चा आदिल है, वो हर वक्त मुआफ करने के लिए तैयार रहता है, और आसमान पे बड़ी खुशी होती है जब हम किसी भी तौर से उसके हजूर में आते और माफी मांगते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर आप माफी मांगेंगे किसी बात के लिए, खास तौर पे पबिंग और ऐसी चीजों के लिए, अल्कोहल के लिए और ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी में अगर कहीं है, तो खुदा ने जो कुछ आपको दिया है, खुदा इससे बढ़ के आपको रूहानी तौर पर पहले और उसके बाद दूसरी चीजों में ब्लेस करने के लिए तैयार है। वो आपके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स रखता है। हमने खुद अपने उन मंसूबों के लिए जो खुदा ने हमारे लिए बनाए हैं और उन्हें रोक के रखा हुआ है, आइए अपने दिल में इरादा कीजिए आज की शाम। खुदा का आसमानी बाप, कलाम की इन बातों को जो मैंने कमजोरी की हालत में तेरे लोगों के सामने रखी है, मेरे लिए, मेरे घराने के लिए और इस कलीसिया के लिए, वाइसे बरकत ठहरा यीशु के नाम में। ये हमारे बाप आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हमें से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। मिलके कहेंगे खुदा बाप, खुदा बेटे,